ये लहू की वाचा जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई कलवरी के क्रूस पर उसके बहाए गए लहू से मुझे बताती है कि यीशु मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, न मुझे त्यागेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। मैं तूफान में से होके जाऊं, चाहे आंधी में से होकर जाऊं, मैं जीवन के सबसे मुश्किल दिनों में से होकर जा सकता हूं, यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इसे 10 बार 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 कहता हूं, यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints, sing praise Adonai. From the rising of the sun till the end of every day, praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints, sing praise. आपके जीवन के सबसे बड़े संकट के समय में, आपके जीवन में समस्या के समय में, जब आप सोचते हैं कि आप बड़ी परेशानी में हैं, तब आपको याद करना है कि आप तो वाचा के व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा, परमेश्वर आपको वही नहीं छोड़ेगा। उसकी दया प्रतिदिन नई होती है, और आज जो है उससे आपका कल जो है पूरा अलग होगा। आज आप पूरी तरह से असफल हो, लेकिन कल के दिन आप बड़ी महान सफलता पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के अधीन होंगे, परमेश्वर के पास आएंगे और पश्चाताप करेंगे और खुद को प्रभु को सौंपेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, उठाएगा और आपको बदलेगा और आपको हर एक परिस्थिति में विजय देगा। उसकी दया प्रतिदिन नई होती है। परमेश्वर कल ही आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। हर एक दिन उसकी दया नई होती है। और सबसे अद्भुत उदाहरण तो बस यही है हैसियत के लिए। ये तो दाऊद की कहानी है। दाऊद ने बतशीबा के साथ बड़ा पाप किया, आप ये कहानी जानते हैं। दूसरे की पत्नी ले ली, केवल दूसरे की पत्नी नहीं ली, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति उसका सिपाही था। दाऊद तो राजा था और ये तो युद्ध में सबसे सामने की कतार में लड़ता था अपने राजा के लिए। उसने उसकी पत्नी ली और अपने कमांडर से कहा उसे सबसे सामने रखना ताकि वो मारा जाए। धूर्तता से उसने उसको मार दिया, उस स्त्री के पति को, ताकि वो हमेशा के लिए उस स्त्री को पा सके। बड़ा पाप, भयानक था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस पाप के लिए क्या दंड देना था? उस व्यक्ति पर पत्थरवा करके मार देना था। जो व्यक्ति ऐसे करे उस पर पत्थरवा करके मारना था। व्यवस्था में कोई भी क्षमा नहीं थी, पत्थरवा करके मार देना था, क्योंकि उसने दूसरे व्यक्ति को वहां मारा था। तो दाऊद ने क्या किया, वो जानता था कि अगर वो व्यवस्था के पास जाए, उसके पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि व्यवस्था उसके लिए दंड ही कहती थी, दंड तो मृत्यु और सब खत्म हो जाता था। तो वो व्यवस्था से परे जाता है और परमेश्वर से दया मांगता है। हेसेद, वो कहता है, हे प्रभु, तू मुझ पर अपनी दया कर। भजन संहिता 51:1। पाप करने के बाद यहीं पर वो प्रार्थना करता है। वो कहता है, मुझ पर अनुग्रह कर परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। अद्भुत प्रार्थना है। मुझे दाऊद की यह प्रार्थना बहुत पसंद है। वो परमेश्वर के पास आकर ये नहीं कहता, परमेश्वर मैंने इतने सारे अच्छे काम किए हैं, बस ये एक गलत काम किया है। तू जानता मैंने गोलियत को मारा, जानता मेरे पास महान विश्वास है, तू जानता मैंने ये किया वो किया, उसके लिए मेरा प्रतिफल कहां पर है। वो ऐसे नहीं आया। उसने आकर ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ न्याय कर, न्याय तो मृत्यु भी होती। तो उसने न्याय की मांग नहीं की, उसने कहा मुझ पर तू दया कर प्रभु।
अपनी करुणा के अनुसार ही। मैं विनती करता हूं कि मुझ पर तू करुणा कर, व्यवस्था के किताब के अनुसार नहीं, मूसा की व्यवस्था के किताब के अनुसार मत करना, मैं मर जाऊंगा। मैं विनती करता हूं कि मुझ पर अपनी करुणा के कारण तू दया दिखा, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को तू मिटा दे। अद्भुत प्रार्थना है। मैं आपसे कहूं, हर एक व्यक्ति को ये प्रार्थना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने आकर नहीं कह सकता, प्रभु मेरी भलाई के अनुसार तो मुझे आशीष दे, मैं इतना अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं पिछले 2 दिनों से बहुत अच्छा हूं, मुझे आशीष दे। नहीं, हम में से कोई भी प्रभु के सामने नहीं आ सकता, लेकिन हम सब परमेश्वर के सामने आ सकते हैं ये कहते हुए कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। तेरी दया, वो हैसेद, वो प्रेम, वो तो अटल प्रेम, वो स्थिर रहने वाला प्रेम, वो प्रेम जो खत्म नहीं होता, जो कि बलवान है। हे प्रभु, अपनी करुणा के अनुसार तू मुझ पर दया कर, और तेरी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ, अद्भुत अद्भुत प्रार्थना है। हाँ, बाइबल में एक सबसे अच्छा उदाहरण है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो यहोशू में पाया जाता है, अध्याय 9 और वचन 10 में। मैं इसे पढ़ना नहीं चाहूंगा, समय नहीं है, लेकिन जल्दी से ये कहानी बताऊं और फिर संदेश को खत्म करेंगे। यहोशू 9 और 10, यहां पर गिदोनियों की कहानी है जो कि यहोशू के साथ वाचा बांधते हैं। जब यहोशू और उसके लोगों ने जाकर प्रतिज्ञा के देश को ले लिया, वो वहां पर रहने लगे। वहां पर पहले से ही लोग रहते थे, ठीक है, और वहां पर रहने वाले लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वो तो दुष्ट लोग थे, वो सारे बुरे कामों को करते थे, परमेश्वर को पसंद नहीं था उनकी जीवन शैली और उनके काम करने के तरीके। तो परमेश्वर ने कहा, उनके साथ में कोई संबंध नहीं रखना, उनके साथ में कोई भी वाचा नहीं बांधना, तुम निश्चित कर लेना कि तुम उनसे वाचा नहीं बांधोगे। प्रभु ने ये चेतावनी पहले दे दी थी जैसे वो वहां रहने जा रहे थे, वहां पर रहना और जब समय आएगा तो उन्हें तुम वहां से निकाल देना। हाँ, तुम उनसे वाचा नहीं बांधना, किसी भी तरह से खुद को उनके साथ में नहीं जोड़ना। तो वो वहां पर गए और ये सब लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि क्या हुआ था यरीहो में और ए नगर में, क्या हुआ था, कैसे परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी और लाल समुद्र विभाजा और जंगल में चमत्कार किए। तो ये सभी लोग बहुत भयभीत हो गए थे कि परमेश्वर तो इनके साथ है और उन पर वो कृपा कर रहा है। तो हर कोई यहोशू से वाचा बांधना चाहता था, और गिबोनी डर गए थे क्योंकि वो पास में ही रह रहे थे और वो वाचा बांधना चाहते थे कि अपने जीवन को बचा सके, क्योंकि वो डर गए थे कि यहोशू एक दिन उन्हें निकाल देगा और उनकी ज़मीन ले लेगा, जो कि होने ही वाला था। और उन्होंने सुना भी था, अगर आप कहानी पढ़े, उन्होंने सुना, गिबोनियों ने सुना कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि किसी से वाचा नहीं बांधना, तो उससे कैसे वाचा बांधे, यहोशू वाचा नहीं बांधेगा। तो उन्होंने कहा, हम युक्ति करके यहोशू से एक वाचा बांधेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को चुना और उन्हें पुराने कपड़े पहना दिए, पुराने जूते पहना दिए जो कि फट चुके थे, कि ये दिखाए कि वो बहुत दूरी से चलते हुए आए हैं। उनके कपड़े गंदे कर दिए, उनके जूते फाड़ दिए, ऐसे दिखाए कि वो सैकड़ों मील की दूरी से चलकर आ रहे हैं। वो उन्हें वैसे दिखाना चाहते थे, और उन्होंने उन्हें दाखरस की ऐसी थैलियाँ दी थी जो कि पूरी तरह क्रैक हो चुकी थी, और उन्हें रोटी दी जो कि पूरी सूख चुकी थी, जानते हैं, जैसे मानो बहुत पुरानी है, लेकिन वो पास ही में थे, बस उनके पड़ोसी ही थे। और वो इस तरह के दिखावे के साथ में आए और यहोशू के सामने जाकर कहा कि हम बहुत दूर देश से आए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना, उस पर विश्वास करते हैं, उसने बहुत अद्भुत काम किए हैं, ये बहुत अद्भुत है, हम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ वाचा बांधना चाहते हैं। और यहोशू युक्ति में फंस गया कि उनके साथ में वाचा बांधे। यहोशू परमेश्वर से पूछ सकता था, मैं इसे करूं या नहीं, परमेश्वर बताता था, और यहोशू ने उससे पूछा नहीं कि परमेश्वर से अनुमति मांगे, वो बस आगे बढ़ा और जल्दबाजी में उसने उनसे वाचा बांधी। और उनसे वाचा बांधने के बाद में जब वो चले गए,
उसने ये जाना कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उनकी बगल में ही रहते हैं। उन्होंने युक्ति करके वाचा बांधी। अब वो उन्हें छू नहीं सकते थे, वो उन्हें मार नहीं सकते थे, उन्हें निकाल नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें वहीं पर रहने देना था। अब क्या करें? साथ ही जब गिब्बोनी अपनी जगह पर वापस लौट गए, पांच और राजा जो उनके आसपास रहते थे, पांच और समाज जिनके राजा थे, वो क्रोधित हुए कि इन्होंने यहोशू से वाचा बांधी। तो फिर वो गिबोन के विरुद्ध में आए और गिबोन को नाश करने के लिए गिबोन से युद्ध करने लगे। और गिबोनियों ने क्या किया, तुरंत ही उसने वाचा के सहभागी को संदेश दिया यहोशू को। वो कहता है, सुनो, तुम मेरे वाचा के सहभागी हो, तुम्हें वाचा याद है ना, तो आकर मेरी मदद कर। ये राजा मुझे मारना चाहते हैं, पांच राजा मेरे विरुद्ध में आ चुके हैं, क्यों ना सेना लेकर तू आकर मेरी मदद कर। तो यहोशू, यहां पर परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यह चकित करने वाला है, परमेश्वर ने उससे कहा कि जाए, परमेश्वर ने कहा डर मत, कोई मनुष्य तेरे सामने खड़े नहीं रह सकेगा, जा, भयभीत न हो, मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में सौंपूंगा। दूसरे शब्दों में, हालांकि उन लोगों ने आकर युक्ति से यहोशू के साथ वाचा बांधी, परमेश्वर यहोशू से कह रहा था वाचा का आदर कर, जाकर उनकी मदद कर, क्योंकि ये वाचा है जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, चाहे ये की गई हो किसी युक्ति में या फिर जानते हैं किसी और तरह से, कोई बात नहीं, वाचा तो वाचा ही है, एक बार वाचा बांधने पर उसे तोड़ नहीं सकते हैं। इन्होंने युक्ति की और झूठ कहा और ये सब कुछ किया। प्रभु कहता है जाकर उनकी रक्षा कर, और यहोशू युद्ध के लिए जाता है और वहीं पर वो सूरज को रोक देता है, चांद को रोक देता है, और ये सब प्रभु ने महान चमत्कार किए। अगर परमेश्वर सूरज को रोक दे और चांद को वहां पर स्थिर कर दे और इतने बड़े बड़े चमत्कार करे कि उस वाचा का आदर करे जो कि युक्ति करके की गई थी, वो झूठे थे। यदि परमेश्वर वाचा का इतना आदर करता है तो निश्चय आप वाचा का आदर करें, क्योंकि ये वाचा तो जीवन बचाने वाली वाचा है, और वाचा की मुख्य शर्त थी कि उनके जीवन को वो बचाए। उनकी जान बचाने के लिए परमेश्वर ने सूरज और चांद को रोक दिया और चमत्कार किए। अगर प्रभु इसे करे तो फिर परमेश्वर नई वाचा का कितना आदर करेगा, जिसे हमारे पिता परमेश्वर ने सोची है और जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर में पूरा किया है, वो इसका कितना आदर करेगा। मैंने उसके साथ वाचा नहीं बांधी, मेरा प्रतिनिधि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में मेरे लिए वो वहां खड़ा हुआ, और सभी मनुष्य के लिए वो तो हमारा प्रतिनिधि थे, और उसने वाचा बांधी, वो झूठ नहीं बोलता। मनुष्य के रूप में मनुष्य का प्रतिनिधि था और परमेश्वर के रूप में परमेश्वर का प्रतिनिधि था। एक मनुष्य में नई वाचा की शुरुआत हो गई उसे एक मनुष्य के द्वारा। क्या परमेश्वर अपनी वाचा का आदर नहीं करेगा? मैं आपको बताऊं, अगर युक्ति करने वालों के द्वारा बांधी वाचा का आदर करता है तो परमेश्वर नई वाचा का आदर करेगा जो यीशु मसीह ने बांधी, बहुत ज्यादा और हजार गुना बहुत ज्यादा मेरे दोस्तों। और इसलिए नए नियम की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए इतनी प्रिय हैं कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन में हैं, मसीह यीशु में हैं। चाहे आकाश और पृथ्वी भी टल जाए तो भी उसका वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर कहता है चाहे पहाड़ भी हटा दिए जाएं, मेरी वाचा फिर भी स्थिर रहेगी, वो कहता है यशया 54 में। चाहे पहाड़ भी हट जाए तो भी मेरी वाचा स्थिर रहेगी। इसके बारे में सोचना कितना अद्भुत है। वाचा तो अटल रहती है, ये तो स्थिर रहती है, ये बलवान है, मजबूत है, बिल्कुल नहीं हिलती। पहाड़ शायद बिखर जाए और पाउडर बन जाए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं जो हमारे लिए है, क्योंकि ये तो आधारित है उस लहू की वाचा पर जो वहां कलवरी के क्रूस पर बांधी गई थी। और इसलिए हर महीने जब आप आते हैं और उस कटोरे को उठाते हैं और कहते हैं कि ये तो नई वाचा का वो लहू है, हम तो खुद को याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां पर खड़े हैं और हमारे पास में क्या है, और हम तो वाचा के लोग हैं और हम हिलाए नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का जो स्थिर प्रेम है वो हम पर है। परमेश्वर हमारे लिए हर एक प्रतिज्ञा का आदर करेगा, क्योंकि ये वाचा की प्रतिज्ञाएं हैं, ये बस मुंह के शब्दों से निकली हुई प्रतिज्ञा नहीं है, ये ऐसी प्रतिज्ञाएं जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई हैं।
यीशु मसीह के लहू के आधार पर, और इसलिए हमेशा हमें प्रभु भोज लेने के लिए कहा जाता है कि खुद को याद दिलाएं। जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए क्योंकि यह हमें वाचा के बारे में याद दिलाएं। और इसका मतलब क्या है कि यह असफल नहीं होगी। परमेश्वर झूठ नहीं कह सकता, परमेश्वर इसे पूरा करने से रुकेगा नहीं। जैसे परमेश्वर ने 100 साल के उस मनुष्य को पुत्र दिया, परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी करेगा, जो उसने वादा किया उसे करेगा, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना मुश्किल है, ये कितना बड़ा है, लेकिन परमेश्वर इसे जरूर करेगा। आमेन। अंत में चलिए मैं आपको इब्रानियों 13 में ले चलता हूं, वचन पांच का आखिरी भाग। आपको यह अद्भुत प्रतिज्ञा याद है जो परमेश्वर ने यहोशू को दी थी। यह इब्रानियों का लेखक उसी के बारे में कहता है। देखिए, ये बाइबल की प्रतिज्ञाओं में से मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिस पर मैंने कई बार प्रचार किया है, एक वचन पर अलग अलग तरीके से बताया है। मुझे इस वचन पर प्रचार करना पसंद है, लेकिन इसे देखिए, वाचा के बिना, वाचा को समझे बिना आप सच में इसे समझ नहीं सकते हैं। वचन 5 कहता है, उसने कहा, मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। यह बहुत ही सरल हिंदी अनुवाद है। चलिए एम्पलीफाइड वर्जन से इसे पढ़ते हैं। एम्पलीफाइड वर्जन में देखिए, तो ये जीवित हो जाएगा क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुम्हें किसी तरह से असफल नहीं करूंगा, तुमसे हिम्मत नहीं हारूंगा और तुम्हें बिना सहायता के नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, असहाय नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें किसी तरीके से असहाय नहीं छोड़ूंगा, न भूलूंगा, न तुम्हें नीचे गिरने दूंगा। मैं तुम पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ूंगा, मैं निश्चय तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब ये दोहराना कि मैं ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये मैंने वहां पर खुद नहीं रखा है। एम्पलीफाइड वर्जन इस तरह से अनुवाद करती है। चलिए फिर से पढ़ते हैं, इसे आप निश्चित समझ ले। ये ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ना भूल गया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिए, क्योंकि उसने आप ही यानी परमेश्वर ने आप कहा, मैं तुम्हें किसी तरह से असफल नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सहायता के बिना नहीं रखूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ दूं और भूल जाऊं, तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा, हाथ से नहीं छोड़ूंगा और निश्चय ही मैं इसे नहीं करूंगा। परमेश्वर ने यहोशू से ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? असल में यह प्रतिज्ञा यहोशू को दी गई थी, यहोशू अध्याय 1:5 में। यह वाचा की प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर क्यों नहीं छोड़ेगा इसराइलियों को? अकेला नहीं छोड़ेगा वो उन्हें? बार बार क्यों क्षमा करेगा वो उन पर? हमेशा दया क्यों करेगा? उन पर अनुग्रह करेगा उनके बलवे के बीच में भी? वो उन तक क्यों पहुंचेगा और उन पर वो दया करेगा और यहां तक कि उनके सारे पापों में भी वो ऐसा करेगा? इतनी ज्यादा दया क्यों दिखाई? इतना ज्यादा अनुग्रह क्यों करेगा? ये तो बस वाचा के कारण है। वाचा के कारण ही वो इस तरह से काम करता है। उसने वाचा बांधी, उसने ये प्रतिज्ञा की है और उसे ये करना होगा। वो इसे करने की कोशिश करता है उनकी असफलता के बावजूद भी, कि वो इन बातों को पूरा करे। और ये सब देखिए, बात तो ये है, इंग्लिश भाषा में जो अनुवाद है बस इस तरह से अनुवाद किया कि मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, लेकिन असली हिब्रू भाषा में, हिब्रू या ग्रीक भाषा जो कहती है, इसका अगर अनुवाद करना चाहे, जो ये कहता है वही कहना चाहे, तो इसे कहने के लिए 5 नकारात्मक बातें लगेगी। मैं नहीं करूंगा, 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 मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, 5 बार कहा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये इतना निश्चित है। ये तो बस इतना निश्चित है कि कैसे आपको बताए कि यह इतना निश्चित है? अगर इसे एक बार कहे तो नहीं लगता कि इतने निश्चित हैं, तो 5 बार वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, 5 बार 5 नकारात्मक बात कहता है कि दिखा सके कि ये किस तरह का वाचा का प्रेम है और ये किस तरह का प्रेम है कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ेगा। जब मैं छोटा था, संडे स्कूल में ये गीत गाते थे हिंदी में, यीशु कभी मेरे हाथ को नहीं छोड़ेगा। हाँ,
इंग्लिश में भी है, ही विल नेवर लेट गो माई हैंड, ही विल नेवर लेट गो माई हैंड, ही विल नेवर लेट गो माई हैंड, दो द स्टॉर्म्स मे कम एंड द विंड्स मे ब्लो, ऐसा ही कुछ, ही विल नेवर लेट गो माई हैंड। ये गीत गाने के बाद में हम बाहर जाकर खड़े रहते और कहते, कैसे प्रभु ने हमें भुला दिया, क्योंकि जानते हैं सच में मैं इसमें रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, हमने सब कुछ इतनी तेजी से किया, हम एक्सप्रेस स्पीड से जाते रहे और जैसी सभा शुरू होती हम पूरी तरह से चार्ज होते थे और फिर हम बस कहते हालेलुया 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 आमेन, खत्म हुआ, ठीक है जाओ। जानते हैं ये इसी तरह से था। खैर जाते समय ये सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके जाने के बाद में जानते हैं पूरे थक जाते थे और लोगों से पूछे आपने क्या सीखा, तो कहेंगे मुझे पता नहीं क्या सीखा, लेकिन अच्छा था, हमने अच्छा महसूस किया, हमें ये पसंद था, हमें वो महसूसीकरण अच्छा लगता था। लेकिन फिर जब मैं इन सच्चाई के बारे में जानने लगा, समझने लगा, तो मैं रुक कर वाचा के बारे में सोचने लगा और इन प्रतिज्ञाओं के बारे में सोचने लगा और ये सरल गीत, बहुत ही अच्छा गीत, और ये तो बड़े प्रकाशन के साथ किसी ने लिखा होगा, इसमें इतना कुछ है, वो मेरा हाथ कभी न छोड़ेगा, वो मुझे कभी न छोड़ेगा और न त्यागेगा। कई बार लोग कहते हैं, खैर उन दिनों में मैं वो छोटे कोरस गाता था, तीन चार लाइन के बार बार गाता था, तो एक ने आकर पूछा क्या इतनी बार इसे गाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे चर्च से आए थे जहाँ पर पहला वचन और आखिरी वचन ही गाते थे, क्योंकि घर जाने की जल्दी थी, तो उन्होंने कहा अगर गाना है तो चार लाइन को 10 बार गाओ। मैंने कहा 10 बार के बाद में क्या ये आपके भीतर चला जाएगा, मैं वादा करता हूं अगर ये आपके अंदर अच्छे से जाए तो मैं गाना बंद कर दूंगा। जानते हैं मैं इतनी बार इसीलिए गा रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, अगर मैं इसे 10 बार गाता हूं तो ये मेरे भीतर जाता है, और कई बार जब मेरी समस्या होती है, मुझे परेशानी होती है, सबसे बड़े संकट के समय में होता हूं, मैं प्रभु के सामने अपनी आंखें उठाकर कहता हूं, यीशु कभी भी मेरे हाथों को नहीं छोड़ेगा, यीशु मुझे न कभी त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा। और कई बार मैंने तो इसे 5 बार से भी ज्यादा बार कहा है, 5 बार से भी ज्यादा बार कहा, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने कहा है, तू मुझे न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, तू मुझे न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, तू मुझे न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, तू मुझे न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, तू न मुझे कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। इस कठोर सिर में जाने के लिए कम से कम 5 बार तो भी कहना पड़ता है, तू मुझे न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। और मैं आपसे कहूं, चाहे आपकी जो भी समस्या हो, चाहे आप जहां भी खड़े हो, चाहे आप जो भी हो, चाहे आप कोई भी परिस्थिति में हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, वाचा इसी बात की गारंटी देती है। ये लहू की वाचा जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई कलवरी के क्रूस पर उसके बहाए गए लहू से मुझे बताती है कि यीशु मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा न मुझे त्यागेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। मैं तूफान में से होकर जाऊं, चाहे आंधी में से होकर जाऊं, मैं जीवन के सबसे मुश्किल दिनों में से होकर जा सकता हूं, यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इसे 10 बार 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 कहता हूं, यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और आज मैं आपसे ये कहता हूं और आपके मुंह में ये शब्द होने पाए, यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, वो मुझे न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, वो मुझे कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, वो मुझे कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। यही तो सच्चाई है, यही वाचा है, ये वाचा की गारंटी है जिसे बताने के लिए 5 बार वो इस तरह कहता है, हां, कि वो न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। Deliver.
With one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah.